हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? कल अपने ने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आ रहे हैं बेटा नोमनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमनक्लेचर जो है एल्कोहल का, वो दो सिस्टम में किया जाता है। जो अपने बोर्ड में तो दिया हुआ है, एक अपना कॉमन सिस्टम दिया हुआ बेटा और दूसरा अपना आईयूपीएसी सिस्टम दिया हुआ है। करने को अपन इसको डायरेक्ट सिस्टम में भी इसका कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे केवल दो ही पॉइंट या दो ही सिस्टम डिस्कस करेंगे, कॉमन सिस्टम और सेकंड है आईयूपीएससी सिस्टम। तो पहला अपन डिस्कस करें बेटा कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम क्या है कि कॉमन सिस्टम में नेम जो था वो एक जनरली बिना किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बेटा, लिखा जाता है, उसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। तो यहां अपन देखो कैसे लिखेंगे अल्कोहल का कॉमन सिस्टम में नेम। क्या लिखा हुआ अपने सामने, द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल, कि अल्कोहल का कॉमन नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट, कि जो भी अपने को कंपाउंड दिया जाए उस कंपाउंड का क्या लिखेंगे बेटा, एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया गया है कि कॉमन नेम ऑफ एन एल्कोहल, कि एल्कोहल का जब अपन कॉमन नेम लिखेंगे तो वो किससे डेराइव करेंगे, एल्किल ग्रुप से डेराइव करेंगे। एंड एडिंग और उसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा, द वर्ड एल्कोहल टू इट, और उसमें कौन सा वर्ड जोड़ा जाएगा, एल्कोहल का वर्ड उसमें जोड़ा जाएगा। तो नीचे देखो बेटा आपको लिखा हुआ है एल्किल प्लस एल्कोहल। अब देखो एल्किल होता क्या बेटा, कि जैसे अपने पास CH4 है तो CH4 को अपन क्या कहते हैं बेटा, मैथेन कहते हैं। इसमें से अपन एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देंगे, एक हाइड्रोजन को अपन रिमूव कर देंगे, तो अपने पास क्या बनता है बेटा, CH3 बनता है। तो अपने पास एन को हटाकर अपन क्या जोड़ देते बेटा, YL जोड़ देते हैं। तो अपने पास इस ग्रुप का नाम क्या बनता है बेटा, मैथिल बनता है। क्या बनता है बेटा, मैथिल बनता है। तो इसी प्रकार से एक कार्बन का एल्किल जो ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, मैथिल। दो के लिए अपन एथिल काम में लेंगे, तीन के लिए प्रोपिल, चार के लिए ब्यूटिल, पांच के लिए पेंटिल। तो जो भी कोई एल्किल ग्रुप का नाम होगा वो लिखा जाएगा, प्लस वर्ड क्या जोड़ेंगे बेटा, एल्कोहल। तो कंपाउंड का नाम क्या बनता है, एल्किल प्लस एल्कोहल। तो यहां पर अपन एल्किल जो वर्ड जो है वो किस तरह काम आएगा बेटा, एज प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स क्या है, जो नाम से पहले लगे। एल्कोल जो को अपन किसके काम में लेंगे बेटा, एज ए सफिक्स, यानी कि जो नाम के बाद में लगे, यानी कि पहले तो अपन एल्किल ग्रुप का नाम लिख देंगे और उसके बाद में अपन क्या वर्ड जोड़ देंगे, एल्कोल जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो भी कोई कंपाउंड आएगा उस कंपाउंड का अपन क्या कर सकते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आओ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा अपन। आपके पास पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया बेटा CH3OH। अब CH3 जो है वो किससे बना बेटा, मैथेन में से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बना बेटा, मैथिल, और उसके साथ अपने ने क्या जोड़ दिया बेटा, OH ग्रुप को ऐड कर दिया। तो CH3 को तो अपन क्या कहेंगे, मैथिल। और OH के लिए अपने पास क्या वर्ड अपने ने काम में ले लिया बेटा, एल्कोल काम में ले लिया। तो अपने पास उस कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, मैथिल एल्कोल उसका नाम बन गया। ऐसे अपने ने सेकेंड कंपाउंड लिया बेटा CH3CH2, तो ये कहां से बना बेटा, CH3CH3 से, यानी कि एथेन से। एथेन में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया तो क्या बनेगा बेटा, एथिल, और उसके साथ अपन क्या जोड़ेंगे बेटा, वर्ड एल्कोल को जोड़ेंगे। तो कंपाउंड का नाम क्या बनता है बेटा, एथिल एल्कोल बन जाता है। तीसरा आपके पास एग्जाम्पल है बेटा CH3CH2CH2OH, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो इसमें ये कहां से बना बेटा, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का एल्केन क्या होगा बेटा, प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो प्रोपिल बनेगा, और वर्ड क्या ऐड कर देंगे बेटा, एल्कोल ऐड कर देंगे। तो नाम क्या बना बेटा, प्रोपिल एल्कोल। अब बात आती है कि इसके नाम से पहले अपने ने क्या लगाया बेटा, एन लगाया। तो एन का यूज क्यों किया, क्योंकि कॉमन सिस्टम में जब कार्बन की चेन कैसी हो बेटा, स्ट्रेट हो, तो उससे पहले वर्ड क्या यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है। स्मॉल एन लेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि दिए गए कंपाउंड में कोई भी ब्रांच ऑफ कार्बन, कोई भी सब्स्टिट्यूट्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है।
अगला चौथा एग्जाम्पल अपने को दिया बेटा सीएसडी सीएस ओएच। देखो यहां पर अपने पास ये कार्बन है बेटा, और इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं बेटा, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कल भी आपको बताया था कि अपने पास ये जो अपने पास कार्बन जो है, इस कार्बन की नेचर कैसी बेटा, 2 डिग्री है। तो ये कैसा एल्कोहल था बेटा अपने पास, 2 डिग्री एल्कोहल था अपने पास, तो वही अपन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ अपने पास सीएसडी सीएच सीएसडी ये जो ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है बेटा, आइसो कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आइसो। और कितने कार्बन है बेटा इसमें, तीन। तो तीन के लिए क्या काम में लेंगे बेटा, प्रोपिल। और वर्ड क्या ऐड किया जाएगा बेटा, एल्कोहल को ऐड किया जाएगा। तो वर्ड क्या ऐड कर दिया बेटा, एल्कोहल ऐड कर दिया। इसलिए कंपाउंड का नाम क्या बना बेटा, आइसो प्रोपिल एल्कोहल बन गया। अगला अपन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं बेटा, इनको साथ साथ नोट भी करते जाना, और इनको वापस से एक बार इनकी आप खुद लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है आपको। देखो अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 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 OH ये अपने पास है। तो इसमें अपने पास अब कितने कार्बन हो गए बेटा, चार कार्बन। तो चार कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है बेटा, ब्यूटेन। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटिल बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्यूटिल। और कार्बन की चेन कैसी है बेटा, स्ट्रेट है। यहाँ कोई अपने पास ब्रांच ऑफ कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्रांच ऑफ कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ब्यूटिल के नाम से पहले अपने ने क्या जोड़ा बेटा, एन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया। और उसके बाद में सफिक्स क्या लगा दिया बेटा, एल्कोहल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, एन ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। अगला अपने पास है बेटा 6 नंबर का एग्जाम्पल CF3 CH और इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है CH2OH। अब देखो यहाँ पर एक ब्रांच ऑफ कार्बन आ गया तो अपन एन का तो यूज नहीं कर सकते। तो देखो अपन क्या है कि अपने पास ये जो ग्रुप जो बचा हुआ है बेटा, ये किसकी फॉर्मेशन हुई कि एक ही कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं बेटा, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो दो एल्किल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैचमेंट है तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है, आइसो। और टोटल अपने को जो गिवन जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चार हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के चार के लिए अपन किसका यूज करेंगे, ब्यूटिल का। और उसके साथ अपन क्या जोड़ देंगे बेटा, एल्कोहल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। क्लियर बेटा यहां तक एग्जाम्पल, नोट करना उसको साथ साथ। 7th एग्जाम्पल है बेटा कि अपने पास क्या है, CF3 CF CH2 CH3 और सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, इस सेकेंड नंबर के कार्बन से क्या अटैच है बेटा, OH ग्रुप अटैच है। अब देखो यहां पर क्या बेटा कि ये तो पहले नंबर के कार्बन से अटैच था, ये भी पहले नंबर के कार्बन से। यदि अपन कार्बन की ये चेन बनाए तो एक आइसो ग्रुप हो गया, ये इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से। लेकिन अब यहाँ पर क्या बेटा कि कल अपने ने बात किया था कि मोनोआइडिक जो एल्कोहल था, उस मोनोआइडिक एल्कोहल को अपने ने अटैचमेंट के बेसिस पे प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल में डिवाइड किया था। इट मींस 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो वो अपने पास नेचर को बता रहा था कल अपने ने बात की थी। तो आज अपन वही बात कर रहे हैं बेटा कि जिस कार्बन से अपने पास ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ बेटा, एक तो इस CH3 से जुड़ा हुआ है और एक ही इधर CH2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि दो से जुड़ा हुआ है। तो दो से जुड़ा होने के कारण इसकी नेचर कैसी होगी बेटा, 2 डिग्री कार्बन हो गया। और 2 डिग्री कार्बन को अपन और क्या कह सकते हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। इसलिए अपन ने इसके नाम से पहले क्या लगाया बेटा, वर्ड सेकेंडरी लगाए। क्या लगाया, सेकेंडरी, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि OH जो है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। आगे ब्यूटिल, तो ब्यूटिल किसके लिए आता है, अगेन चार कार्बन के लिए। तो चार कार्बन के लिए अपने ने लगा दिया यहाँ पे, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन का अपने रिप्लेसमेंट करके OH ग्रुप जोड़ा था, तो ये अपने पास क्या बन गया बेटा, ब्यूटिल। और अपने ने एज ए सफिक्स क्या जोड़ दिया बेटा, एल्कोहल वर्ड को इसमें क्या कर दिया, एड कर दिया। तो यहां अपने पास इस एग्जाम्पल का नाम क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। लास्ट अपने पास एग्जाम्पल है बेटा CF3 कार्बन और OH, यानी कि इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं बेटा, तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अपने पास इसकी भी अपन नेचर देखें कि जब एक कार्बन से तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसकी नेचर कैसी होगी बेटा,
3 डिग्री कार्बन होगा ये, कल बताया था आपको। और या फिर अपन इसको क्या कहेंगे बेटा, टर्शरी कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? टर्शरी कार्बन कहेंगे। तो अपने पास टर्शरी है, इसलिए अपने ने यहां पे क्या यूज किया बेटा, टर्शरी वर्ड को यूज किया। टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4 हैं, तो 4 के लिए वही वर्ड यूज में आ गया बेटा, क्या? ब्यूटिल। और अपने ने सफिक्स क्या जोड़ दिया बेटा उसमें? एल्कोल जोड़ दिया। तो नाम क्या बन गया बेटा कंपाउंड का? टर्शरी ब्यूटिल एल्कोल बन गया। तो इस प्रकार से अपन सभी कंपाउंड्स का क्या कर सकते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इन सबको आप नोट कर लीजिए एक बार। तो देखो, अपने ने कॉमन सिस्टम देख लिया और कॉमन सिस्टम के एग्जाम्पल अपन कर लिए। अब अपने पास सेकेंड जो है नोमेनक्लेचर में, वो क्या बेटा, आईयूपीएसी सिस्टम, कि अपन एल्कोल का आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग कैसे उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए अपने को रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे जनरल रूल्स होते हैं बेटा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इंक्लूडिंग ओएच ग्रुप, तो वो सब अपने जो 11th में जो पढ़ते हैं वैसे ही रूल्स यहाँ भी हैं। जनरल जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो तो है ही है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको एक ब्रीफ पॉइंट के तौर पे ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी रूल्स आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पे पहला पॉइंट अपने को दिया गया है बेटा कि इन आईयूपीएसी सिस्टम में द नेम ऑफ एन एल्कोल, कि एल्कोल का नेम जो अपने को लिखना है किसमें बेटा, आईयूपीएसी सिस्टम में, इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन एल्केन। कहां से उसको डेराइव करेंगे बेटा? एल्केन से डेराइव करेंगे, क्योंकि देखो कल अपने ने डेफिनेशन पढ़ी थी एल्कोल की, कि एल्कोल क्या होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, कि एल्केन का क्या होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। कल अपने ने सिंपलेस्ट एल्केन ली थी मैथेन, मैथेन में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया था किसके द्वारा, ओएच के द्वारा, तो CH3OH बना था। तो CH3OH को अपने ने क्या कहा था बेटा, मैथेनोल कहा था। तो वही बात यहाँ पे आ रही है बेटा, इन आईयूपीएसी सिस्टम द नेम ऑफ एन एल्कोल इज डेराइव्ड, कहां से विकसित होगा, कहां से वो डेराइव्ड होगा, एल्केन से डेराइव्ड होगा। फ्रॉम विच द एल्कोल इज डेराइव्ड बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड ई, कि एल्केन का जब अपन लिखते हैं तो एल्केन में क्या आता है बेटा, लास्ट में वर्ड ई आता है। विथ द सफिक्स ओ एल, किसके द्वारा उसको रिप्लेस करेंगे बेटा, किसके द्वारा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओ एल के द्वारा। ओ एल क्या होता है बेटा, अपने पास एल्कोल का जो फंक्शनल ग्रुप है ओ एच, उसका सफिक्स क्या होता है बेटा, ओल होता है। तो ई जो है उसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा बेटा, ओल के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही साथ इसको नोट करते जाना बेटा, पॉज कर लेना और इसको नोट करते जाना। यहां नीचे देखो आप, एल्केन लिखा अपने ने, एल्केन का लास्ट का वर्ड कौन सा है बेटा, ई, और ई को रिप्लेस किसके द्वारा करेंगे बेटा, वर्ड ओ एल, जो क्या है बेटा, एल्कोल का सफिक्स है। तो इसको रिप्लेस करने पर क्या बनता है बेटा, एल्केनोल बनता है। क्या बनता है? एल्केनोल। ऐसे ही अपन एक बात करें, अपने पास क्या बेटा, एक कार्बन का एल्केन जिसको अपन क्या कहते हैं, मैथेन कहते हैं। तो मैथेन का लास्ट का ई किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे बेटा, ओ एल के द्वारा रिप्लेस करेंगे। तो नाम क्या बनेगा बेटा, मैथेनोल। क्या बनेगा बेटा, मैथेनोल। इसी प्रकार से दो कार्बन का होगा तो एथेनोल, तीन का होगा तो प्रोपेनोल, चार का ब्यूटेनोल, पांच का पेंटेनोल। तो इस प्रकार से अपन उसका क्या करेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर करेंगे। सेकेंड पॉइंट अपने पास क्या कह रहा है, फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कि जो भी अपने को कंपाउंड दिया जाए उस कंपाउंड में सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, इंक्लूडिंग ओएच ग्रुप, कि उस कार्बन की चेन में ओएच ग्रुप भी प्रेजेंट हो। इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब अपन उस कार्बन चेन का नंबर देंगे तो नंबर किसको देंगे, जिस कार्बन से ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हमेशा कितना नंबर मिलेगा बेटा, 1 नंबर मिलेगा। यानी कि नियरेस्ट पॉसिबल का मीनिंग क्या है, कि उसको हमेशा कम से कम जितना पॉसिबल हो सके उतना लोएस्ट नंबर उसको दिया जाएगा। और पॉसिबल कितना बेटा, 1 है, तो हमेशा उसको क्या दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है बेटा, दो अपने पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इस कार्बन से क्या जुड़ा बेटा, ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को कितना नंबर देंगे बेटा, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 और इसको 4। यदि कोई स्टूडेंट इधर से नंबरिंग करता है 1 2 3 और 4,
तो देखो इधर आपने जब नंबरिंग की, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ था तो इसको एक नंबर मिला था, और आपने इस साइड से जब नंबरिंग की तो इस साइड से नंबरिंग करने पर कितना नंबर मिला बेटा इसको, 4 नंबर मिला। और अपना रूल क्या कह रहा है बेटा कि इसको अपने को कैसा नंबर देना है बेटा, नियरेस्ट। नियरेस्ट का मीनिंग क्या है बेटा, लोवेस्ट नंबर देना है। तो इसलिए अपनी कौन सी नंबरिंग सही होगी बेटा, ये नंबरिंग अपनी सही होगी, और ये नंबरिंग अपनी कैसी हो जाएगी बेटा, रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे ही अपन सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां से अपने ने नंबरिंग की बेटा 1, 2, 3 और 4। सेकंड अपन नंबरिंग यहां से भी करें 1, 2, 3 और 4। इस साइड से जब अपने ने नंबरिंग की तो अपने OH ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है बेटा, 3 नंबर मिल रहा है। और इस साइड से अपन ने नंबरिंग की तो कितना नंबर मिल रहा है बेटा, 2 नंबर मिल रहा है। तो अपने पास लोवेस्ट कौन सा हुआ बेटा, 2 नंबर हुआ। इसलिए अपने पास ये नंबरिंग जिसमें कार्बन को 2 लोवेस्ट नंबर मिल रहा है वो सही है, और जिसमें कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग क्या है बेटा, रॉन्ग है। तीसरा अपने पास पॉइंट बेटा द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप, कि जब अपने पास देखो मेथेनॉल और एथेनॉल में तो OH ग्रुप की पोजीशन को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन 3 कार्बन के बाद में OH ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना क्या बेटा, बहुत ही नेसेसरी है। इसलिए अपन क्या करेंगे बेटा, OH ग्रुप की क्या करेंगे, पोजीशन इंडिकेट करेंगे। एंड अदर सब्स्टिट्यूट कि कोई भी उसमें कोई ब्रांच ऑफ कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसकी पोजीशन को भी क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे यूजिंग नंबर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, नंबर का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इधर से अपन नंबर देंगे क्योंकि OH ग्रुप यहां पे जुड़ा बेटा, 2, 3 और 4। सबसे पहले कार्बन की चेन को अपने ने सेलेक्ट किया तो ये कार्बन की चेन बन गई बेटा, और कार्बन की चेन के बाद में अपने पास ये कार्बन की चेन में जो इंक्लूड नहीं हुआ वो अपने पास क्या कहलाएगा, ब्रांच ऑफ कार्बन या सब्स्टिट्यूट, जो कितने नंबर पे जुड़ा बेटा, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसका जब अपन नाम लिखेंगे कंपाउंड का तो 2 पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे बेटा, 2-methyl। कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे बेटा, ओल। और अपने पास OH ग्रुप कहां जुड़ा बेटा, 1 पे जुड़ा हुआ है, तो कंपाउंड का नाम क्या लिख देंगे बेटा, 1-butanol। तो इस प्रकार से अपने पास कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 2-methyl-1-butanol कंपाउंड का नाम बन गया। नोट कर लीजिए बेटा इसे एक बार। एग्जांपल लेके चल रहे अपन, रूल्स अपने ने देख लिए थे, अब एग्जांपल की अपन बारी आती है। तो यहां पर देखो पहला एग्जांपल क्या बेटा, CH3OH। तो CH3 जो है वो कहां से अपने को मिला, मैथेन से। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, मैथेन। इसका ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे बेटा, OL जोड़ देंगे। तो अपने पास कंपाउंड का नाम क्या बना, मैथेनॉल। ऐसे ही अपने पास ये किससे डेराइव हो बेटा, एथेन से। तो एथेन का ई हटाएंगे और उसकी जगह OL जोड़ देंगे तो कंपाउंड का नाम क्या बनेगा बेटा, एथेनॉल कंपाउंड का नाम बन जाएगा। अब बात अपने पास यहां पे आती है, तो यहां तो अपने को OH ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि OH जो ग्रुप है वो हमेशा एक ही नंबर के कार्बन से अटैच होगा। लेकिन यहां पर अपन बात करें, जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की जब अपने पास चेन आ जाएगी तो OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है। OH ग्रुप एक नंबर के कार्बन से जुड़ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर किसी से भी जुड़ सकता है, तो वहां पर OH ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना जरूरी है। तो अपने पास सबसे पहले अपन कार्बन की चेन बनाएंगे, तो अपने पास कार्बन की चेन ये बनी, नंबरिंग डालेंगे बेटा 1, 2 और 3। तो अपने पास 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, ई को हटा के OH जोड़ेंगे। फर्स्ट अपने पास OH ग्रुप की पोजीशन है, इससे अपन कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 1-propanol लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, 1-propanol। ऐसे ही अपन यहां पर अपन बात करें तो कार्बन तो वही 3 है बेटा, कार्बन की चेन तो वही 3 की बनती है। लेकिन अब जब नंबरिंग करो तो नंबरिंग अपन करेंगे तो लोएस्ट नंबर देना है, किसी भी साइड से अपन देंगे तो OH ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है बेटा, 2 नंबर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपन किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो अपने पास कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-propanol। कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा,
टू प्रोपेनॉल, इसलिए अपने पास देखो वन प्रोपेनॉल भी है और टू प्रोपेनॉल भी है, इसलिए कंपाउंड की अपने को यानी कि OH ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना क्या बेटा नेसेसरी है यहाँ पे। तीसरा अपन लेके चल रहे हैं बेटा, यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे बेटा 1, 2, 3 और 4। तो चार कार्बन है, चार कार्बन का एल्केन ब्यूटेन, ई को हटाएंगे और जोड़ेंगे, और OH ग्रुप की पोजीशन कितने कार्बन से है बेटा, वन से है, इसलिए कंपाउंड का जब वो नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, वन ब्यूटेनॉल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, वन ब्यूटेनॉल। यहां आ जाइए बेटा, अपन नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग अपने को कैसे देनी है बेटा, लोवेस्ट देनी है, तो 1, 2, 3 और 4। इधर से यदि आप नंबरिंग करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने इस साइड से क्या किया बेटा, नंबरिंग की है। तो 2 पे अपने पास OH ग्रुप पोजीशन है, तो नाम क्या लिखा जाएगा कंपाउंड का, 2-ब्यूटेनॉल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, 2-ब्यूटेनॉल इसका नाम लिखा जाएगा। अगला अपने एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, अब इसमें अपने को क्या बनानी होगी बेटा, कार्बन की चेन बनानी होगी। तो अपने कार्बन की ये चेन बनाई बेटा, कार्बन की चेन बनाने के बाद अपन क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग अपने ने की तो 1, 2 और 3। 2 पे अपने पास क्या जुड़ा बेटा, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और CH3 ग्रुप को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्रांच ऑफ कार्बन कहेंगे, और CH3 को अपन क्या कहते हैं, मैथिल। तो क्या लिख देंगे बेटा, 2-मैथिल। ये तो ब्रांच ऑफ कार्बन का नाम आ गया। अब अपने पास कितने कार्बन है, 10 में 3 है, और OH ग्रुप की पोजीशन कितनी है बेटा, 2 पे है। तो क्या लिख देंगे बेटा, 2-प्रोपेनॉल। क्या लिख देंगे, 2-प्रोपेनॉल। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, 2-मैथिल 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहां पे आ जाइए बेटा, तो अपने पास कार्बन की अपन चेन बनाएंगे बेटा, तो अपने पास ये कार्बन की चेन बनेगी यहाँ पे। अब अपन इस पर नंबरिंग करेंगे बेटा, तो अपने पास 1, 2, 3 और 4। अब 3 पे देखो दो अपने पास क्या बेटा, ब्रांच ऑफ कार्बन है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो दोनों की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, 3, 3। दोनों की पोजीशन होगी कितने बेटा, 2 है, तो 2 के लिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है, डाई काम में लिया जाता है, और CH3 को क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल कहते हैं। तो नाम क्या हो गया बेटा, 3-3-डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है बेटा, 4, और OH ग्रुप की पोजीशन कितनी बेटा, 1 है। तो क्या लिख देंगे बेटा, 1-ब्यूटेनॉल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, 3-3-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से अपने ये 8 एग्जांपल एक्सप्लेन कर लिए। बाकी के जो एग्जांपल जो हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं, वहां से आप उनको सोल्व करना, और जो बात समझ में ना आए वो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल देना, ताकि मैं उसको अगले दिन सोल्व करवा दूंगा ब्लैक बोर्ड पे। ओके बेटा, नोट कर लीजिए।